हे गाइस, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं बचपन, आप देख रहे हैं न्यूज़ में सेल्फ यूनिक। गाइस, आज मैं अपने जो कोर्सेज होते हैं उन कोर्सेज के बारे में बताने जा रहा हूं। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं कोर्सेज के ऊपर। मैं कभी भी नहीं बनाता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार इस चीज़ के लिए मार्केटिंग क्या करना है, जिसको पसंद होगा वो सर्च करके पढ़ लेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अभी मैंने देखा 2-3 लोगों ने, उनको किसी और कोर्स में रजिस्टर्ड करना था, मतलब ऑल इन वन में रजिस्टर्ड करना था, उन्होंने टिकला में रजिस्टर्ड कर लिया, या किसी को BIM में रजिस्टर्ड करना था, उन्होंने गलती से टिकला या फिर 3ds Max में रजिस्टर्ड कर लिया। तो ऐसी गलती ना हो, आपके पैसे बचे रहें, इसलिए मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ कि एग्जैक्टली यूनिक सिविल के अंदर क्या क्या अवेलेबल होता है और एग्जैक्टली क्या क्या आपको मिल जाता है। तो एग्जैक्टली यूनिक सिविल में सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं टीच करता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो हम लोग टीच करते हैं वो क्या 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 टीच करते हैं, सबसे ज़्यादा जो आपका फेवरेट है वो क्या है, ऑल इन वन है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हो ऑल इन वन को। ऑल इन वन क्या है, ऑल इन वन एक स्ट्रक्चर्स में अगर आप पूरा करियर बनाना चाहते हो तो लगभग 250 घंटे का कंप्लीट कंटेंट है ये। इसके अंदर सारा रिसर्च पेपर, लगभग 250 से ज़्यादा लाइव प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा आपको लाइफ टाइम एक्सेस, सारा फीचर्स प्लस ISO सर्टिफाइड, MSAB अप्रूव्ड सर्टिफिकेट, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। कोर्सेस अगर की बात करूँ तो इसमें AutoCAD, कई लोग कहेंगे सर आप तो कोर्स का वो कर रहे हो, नहीं यार मेरा कुछ ऐसा कोर्स बताने का उद्देश्य नहीं है। एक्चुअली में लोग अगर गलत कोर्स परचेज कर लेंगे तो डेफिनेट उनके पैसे ना बहुत कीमती होते हैं, तो बस उनकी वैल्यू के लिए मैं एग्जैक्टली आपको गाइड कर रहा हूँ। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो इसमें ऑल इन वन क्यों सबके लिए अच्छा है, अगर आप बिगिनर हो या फिर डिग्री आपने जस्ट कंप्लीट किया हुआ है, तो AutoCAD, स्टैट्रो, रैबिट, आर्किटेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर, मैनुअल, RCDC, ETF, सेफ स्ट्रक्चर्स के लिए कंप्लीट कैसे इंटरव्यू देना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग ऑल इन वन के अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको समझ नहीं आ रहा किस में करियर बनाऊं, या फिर आप सोच चुके हो कि मुझे स्ट्रक्चर्स में जाना है, तो ऑल इन वन आपके लिए एक बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है 110%, ठीक है। मेरे तरफ से किसी को कोई फोर्स न कभी हुआ है न कभी होगा। तो आप जस्ट जाइए, इसमें कई ढेर सारे लगभग 15-20 लेक्चर आई थिंक फ्री होंगे, उन 15-20 लेक्चर्स को वॉच करिए, अगर आपको पसंद आता है तो कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट कोर्स जो यूनिक सिविल आपको प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है यहाँ पर BIM का, जो कि नेक्स्ट सेकेंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, लाइक जो सबसे ज़्यादा आपको प्यार, आप लोगों ने इसको प्यार दिया है, वो BIM को दिया हुआ है। BIM उसके लिए है जिसने फिक्स कर रखा है कि यार मुझे अभी BIM में ही जाना है। तो 134 वीडियो, मतलब लगभग 200 घंटे का कंटेंट है ये कंप्लीट, जिसके अंदर आपको कंप्लीट AutoCAD, कंप्लीट रैबिट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर्स, MEP, SketchUp, Navisworks, 3ds Max, टेक्ला और इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है, एक कंप्लीट गाइड मिल जाता है आपको आपके लाइक BIM के अंदर। बट जिसको स्ट्रक्चर्स में जाना है, प्लीज़ इसको मत करना, क्योंकि आपके यूज़ में नहीं आएगा। हाँ, उनके यूज में आ सकता है कि जो अपना खुद का फॉर्म खोलना चाहते हैं, वो ऑल इन वन से अपना स्ट्रक्चर्स के एनालिसिस सीख लें, और उसके बाद मॉडलिंग के लिए अगर पूरा डीप में सीखना है तो वो जाके BIM को अच्छे तरीके से सीख लें। अब नेक्स्ट BIM, अच्छी बात यह है कि BIM अगर कोई डिग्री है, कोई डिप्लोमा है, कोई भी BIM सीख सकता है। BIM में ये एक बेनिफिट है, ठीक है, यहाँ पर डिग्री नहीं लिखा नहीं है, बट आप डिग्री वगैरह भी सीख सकते हैं। सारे सॉफ्टवेयर आपको दिए जाएंगे, लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाएगा, उसके अलावा आपको लगभग 250 से ज़्यादा लाइव प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, सबके सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, कंप्लीट फीचर जैसे ऑल इन वन का था वैसे ही इसका भी है। तो ये भाई नेक्स्ट सॉफ्टवेयर होता है, जो कि आप प्ले स्टोर से अपने यूनिक सिविल आपके पास होगा ही, नहीं है तो सर्च करके डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट जो कोर्सेस यूनिक सिविल आपको प्रोवाइड करता है, वो PEB का प्रोवाइड करता है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का, जिसमें कंप्लीट स्टील स्ट्रक्चर्स का डिटेल कर सकते हो पोस्टमार्टम, मतलब कि आई सेक्शन क्या होता है, ISMB क्या होता है, ISLB क्या होता है, PEB का डिज़ाइन कैसे टिकला में करेंगे, कैसे रैबिट में करेंगे, कैसे स्टैंड में करेंगे, कैसे ETF पर करेंगे। कंप्लीट सेशन लगभग हमने 45 से 50 घंटे का एक कंप्लीट सेशन बनाया हुआ है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यूनिक सिविल में क्या प्रोवाइड होते हैं, ये है लाइक इसको बोलेंगे सारे तीनों कंबाइंड कोर्सेज हैं, मतलब BIM के अंदर बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऑल इन वन के अंदर बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं, PEB के अंदर भी बहुत ढेर सारे सॉफ्टवेयर हैं, ये तीनों कंबाइंड सॉफ्टवेयर हैं। नाउ और क्या यूनिक सिविल आपको प्रोवाइड करता है, और प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर्स। इंडिविजुअल मतलब अगर आपको अलग अलग सीखना है कि एग्जैक्टली मुझे सिर्फ टेकला सीखना है सर, ठीक है, वैसे तो BIM के अंदर टेकला है, बट अगर अलग से सीखना है तो आप यहाँ से सीख सकते हो, सेम है दोनों, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं, तो दो बार करने की जरूरत नहीं है। अगर BIM कर रखा है तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, BIM है, 3ds Max है। टेकला के लिए अगर कर रहे हो तो टेकला प्रोफेशनल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिगनर जो है बहुत बेसिक लेवल का है, और प्रोफेशनल में बेसिक टू एडवांस दोनों है, तो मेरा सजेशन रहेगा टेकला स्ट्रक्चर पर प्रोफेशनल करो तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर जो यूनिक सिविल आपको प्रोवाइड करता है, कॉम्बो कोर्स स्टैट का और RCDC का, मैनुअल का, एक्सेल का।
नेक्स्ट ETFs का, सेफ का और मैनुअल का, उसके अलावा रैबिट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर का इंडिविजुअल है, ऑटोकैड का इंडिविजुअल है, उसके अलावा मैनुअल का इंडिविजुअल है, और उसके बाद मैनुअल सॉरी स्टेटप्रो RCDC का इंडिविजुअल है, और G+2 एक्सेल का इंडिविजुअल है, ETF सेफ और RCDC का इंडिविजुअल है, RCDC का इंडिविजुअल है। तो ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर्स आपको वीडियो कोर्सेज के माध्यम से यूनिक्स सिविल प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऑल इन वन BIM और PEB ये लाइफ टाइम है, बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स 2 साल के लिए वैलिड रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। तीसरी चीज़, ये लैपटॉप पे भी चला सकते हो, मोबाइल पे भी चला सकते हो, जहाँ मन करे चाहे जिस मोबाइल पर भी चला सकते हो आप, सिर्फ OTP आपको बताना पड़ेगा, उस मोबाइल पर आप कर सकते हो। बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल को आपने गलत कोर्स में कर लिया तो डेफिनेटली आपका फी वहां पर लॉस में जाएगा। मान लीजिए आपने टेक्ला भी कर लिया और BIM भी कर लिया, क्या मतलब है, क्योंकि BIM के अंदर तो टेक्ला ऑलरेडी है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको बताना मेरे को जरूरी लगेगा। और नेक्स्ट इसमें आपको मैं डेली, ठीक है, ना केवल इसमें, मैं डेली आपको जॉब्स गाइड, आप सबको पता है जॉब्स गाइड के माध्यम से डेली जॉब्स की ओपनिंग्स बताता हूँ, कहाँ कहाँ ओपनिंग चल रही है, आज भी ओपनिंग्स आने वाली है इवनिंग में। तो आप क्या करिएगा, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जॉब्स गाइड को, जिससे कि आपको मिलता रहे। iOS में कैसे चलाना है ऐप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और उसके बाद iOS पे तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट आपको प्ले स्टोर से अगर करना है तो डायरेक्ट यूनिक्स सिविल कर सकते हैं। अब लोग सर ये आपके क्या है, ये सारे तो आपके वीडियो कोर्सेज है, ये सारे वीडियो कोर्सेज है और बहुत नॉमिनल फीस है इनके। अभी तो आज तो नवरात्रि का लास्ट डे है ऑफर का, तो आज तो 50% ऑफ भी है, एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। नेक्स्ट जो नेक्स्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो सबसे जो कह सकते हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है गुरुकुल, ठीक है। बट गुरुकुल में डेफिनेटली बच्चों की लिमिट होती है, इसलिए मैक्सिमम टाइम सीट फुल होती है, इस समय सीट फुल है। तो गुरुकुल में अगर आपको जानना है कि हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, तो BIM की एक गुरुकुल बैच बनती है हम लोग की, जिसमें 4 महीने आपको कंप्लीट इंटर्नशिप देता हूँ डीप में, 1.5 घंटे डेली मैं लाइव रहता हूँ, टोटल 5 घंटे की ट्रेनिंग होती है जिसमें 1.5 घंटे मैं लाइव रहता हूँ। तो आप BIM के लिए अगर गुरुकुल में आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अब शायद 2022 के जगह 23 पे ही आपकी न्यू बैच चलने वाली है, क्योंकि पूरा पैक है। नेक्स्ट एक हम लोग गुरुकुल की बैच चलाते हैं स्ट्रक्चर्स की। इन दोनों में मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आपने मुझे 80% अटेंडेंस दिया, क्या 80% अटेंडेंस दिया, ठीक है, तो कागज पर लिख के तो नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर बोल दूंगा कि आपकी जॉब 100% लग जाएगी, 100% आपकी जॉब लग जाएगी, 80% अटेंडेंस देने का आपको वादा करना पड़ेगा। मेरा कोई भी स्टूडेंट जो BIM या फिर गुरुकुल में पढ़ रहा है, अगर वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट करना, आप खुद वो ऑलरेडी वो बताएंगे कि हाँ सर मैं प्लेस हो गया हूँ। मैक्सिमम लोग प्लेस हो जाते हैं, रीजन क्योंकि डेली 5 घंटे का सबके बस की बात नहीं है, मंडे टू फ्राइडे एकदम रगड़ देता हूँ, मेहनत करा देता हूँ इतना ढेर सारा, डेली इंटरव्यू की तैयारी करवा देता हूँ, डेली खुद असाइनमेंट चेक करता हूँ। 1 घंटा लगाना इसको, थोड़ा सा वॉच करके देख लेना। अगर आप करियर को 100% सोच रखे हो कि मैं एकदम बनाना ही चाहता हूँ सर, बस आप क्या बोलते हैं, आप बोल दीजिए कि आप करना क्या है, तो भाई गुरुकुल में आ जाना, सब कंप्लीट कर देंगे। लेकिन गुरुकुल के लिए कैसा होता है, इसका टाइमिंग होता है, अभी नेक्स्ट बैच देखो कब अनाउंस करता हूँ, तो उस समय पर इसको एडमिशन लेना होता है। इसलिए अगर आप जॉब में हो, आपके पास टाइम वगैरह कम है, तो बेटर होगा कि आप ऑल इन वन के माध्यम से स्ट्रक्चर्स की तैयारी करें, या फिर अगर BIM का करना चाहते हैं तो BIM के माध्यम से BIM का करें, और अगर स्टील में इंटरेस्टेड हैं तो PEB का आप कंप्लीट करिए। और अगर आपको नहीं सर मुझे तो सिर्फ इंडिविजुअल के सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, तो भी आप जान सकते हैं। पहली बार मैंने डेडिकेटेड यूनिक्स सिविल के ऑल कोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। और अगर आपको किसी एक इंडिविजुअल कोर्स के बारे में जानना है कि सर इसमें आप क्या सिखाते हो, तो नीचे कमेंट कर बताना, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको अपग्रेड कर दूंगा। मुझे लगा आज सुबह सुबह मैसेज आया एक लड़के का, सर मुझे ऑल इन वन पढ़ना था, मैंने टेक्ला में गलती से रजिस्टर कर लिया, मुझे ऑल इन वन के बारे में पता नहीं था, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसका नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है। तो इसलिए मैंने सोचा नहीं बताना बहुत ज़रूरी है, जस्ट इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर डेली ओपनिंग चाहिए तो जॉब्स गाइड को जाके सब्सक्राइब कर लेना, और आपका कोई दोस्त जॉब के लिए परेशान है तो उसको बता देना कि भाई यहाँ पर सर डेली 10 से 15 ओपनिंग्स देते हैं, 15 ओपनिंग्स बहुत होती है दोस्त, लेकिन प्रॉपर मैं खोजता हूँ, 1.5-2 घंटे लगते हैं खोजने में, तब आपके पास लेके आता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। अगर आपको किसी इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है, और साथ ही साथ आज नवरात्रि का बहुत अच्छा गिफ्ट है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप जाके यूनिक्स सिविल का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत।